दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सैफारी। फ्रेंड्स अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लेजर, लेजर का इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 7070 पर दिया हुआ है। ये इलस्ट्रेशन हम बहुत क्योंकि हम बहुत लंबा है क्योंकि इसमें हम साथ में लेजर अकाउंट तो बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम जनरल एंट्रीज भी कर रहे हैं डिस्कस, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में लेकर आए हैं। हम पहला पार्ट आपके अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हो। हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जून 20 तक कर चुके हैं, उसके बाद की जितने भी ट्रांजेक्शन है उन्हें हम आज इस वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्रीज के साथ। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो पहले वीडियो पॉज करके कॉपी पेन ले आओ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो ट्रांजेक्शन यहाँ हम कर चुके हैं जून 20 तक। ओके जून 22 कैश सेल हुई है, कैश में सेल हुई है तो कोई मुझे बता सकता है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपने कैश में सामान बेच दिया, सॉरी मैं यहाँ एक बार बता देती हूँ, यहाँ कैश में सामान बेचा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करोगे क्योंकि कैश आया है आपके पास टू सेल, यही जर्नल एंट्री होगी। तो हमारे पास कौन कौन से लेजर हो गए, अब एक हो गया हमारे पास कैश और दूसरा हो गया सेल, तो कैश का ये रहा। अच्छा कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो एंट्री, ये तो हमें पता है कि एंट्री किस साइड आएगी, यानी हम एंटर करेंगे किस साइड में, डेबिट साइड में। डेट दी हुई है हमारे पास 20 जून 22, जून 22 लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, सेल के रिस्पेक्ट में, तो टू जब हम डेबिट में एंट्री करते हैं तो टू से करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट से होता है उसको करते हैं टू सेल्स अकाउंट। कितना को दिया हुआ है यहाँ पे, 15,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला किसमें होगा, एक हमको चाहिए सेल अकाउंट, हमने सेल अकाउंट बनाया हुआ है क्या पहले, हाँ बनाया हुआ है टू सेल, ठीक है सेल अकाउंट है हमारे पास पहले से तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या एंट्री होगी, हमने एंट्री इसमें भी क्रेडिट साइड ही एंट्री होगी क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री हुई है, तो एंट्री होगी जून 22 किसके रेस्पेक्ट में, कैश के रेस्पेक्ट में, तो कैश हो गया कितना 15,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 25 में, कैश पेड टू मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस 30,000। अच्छा जनरल एंट्री क्या होगी, आपने कैश पेमेंट किया है किसी को, आपने गुलमोहर फैशन को कैश में पेमेंट किया है, एंट्री क्या होगी, गुलमोहर फैशन अकाउंट, गुलमोहर फैशन हाउस डेबिट टू कैश, गुलमोहर फैशन को डेबिट करोगे, टू कैश, ये जनरल एंट्री होगी। अच्छा अब हमको इसमें एक तो गुलमोहर चाहिए और एक कैश चाहिए, दोनों ही हमारे पास पहले से हैं क्योंकि गुलमोहर की एक एंट्री पहले हो चुकी है और कैश तो है ही। चलो कैश में सॉरी कैश यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो ये तो हमें पता चल गया कि एंट्री किस साइड आएगी, एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी जून 25 को, एंट्री क्रेडिट साइड में किसके रेस्पेक्ट में आएगी, बाय गुलमोहर के नाम से आएगी, गुलमोहर फैशन हाउस, कितना अमाउंट 30,000, हाँ 30,000 रुपये। और दूसरी ट्रांजेक्शन कहाँ आएगी, गुलमोहर, गुलमोहर ये रहा गुलमोहर, हाँ अब गुलमोहर में किस साइड आएगी, गुलमोहर में किस साइड आएगी, गुलमोहर में आपकी आएगी किधर आएगी, डेबिट साइड में, क्योंकि गुलमोहर ऊपर कहाँ क्या हो रहा है, गुलमोहर ऊपर डेबिट हो रहा है, तो जून 2005 जून 25
किसके रिस्पेक्ट में? कैश के रिस्पेक्ट में। कितना? 30,000। बहुत सिंपल लेजर बनाना, बहुत थोड़ा बड़ा जरूर होते हैं लेजर अकाउंट, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट June 28 रिसीव अ चेक फ्रॉम मेसर्स मोहित ब्रॉस। ओके, मैं मोहित ब्रॉस से एक चेक आपको रिसीव हुआ है। चेक रिसीव हुआ है तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ ले बता देती हूँ, चेक रिसीव होगा तो बैंक को डेबिट करोगे क्योंकि बैंक के अकाउंट में आएगा। टू टू जिसके नाम से है, जो कस्टमर है, टू मोहित ब्रॉस। तो हमारे पास एक तो हमको बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा और एक मोहित का, हमारे पास दोनों ही है बैंक। तो बैंक में ये रहा बैंक अकाउंट। हाँ, तो बैंक हमारा यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब एंट्री तो डेबिट साइड में आएगी, हमको ये पता है। डेट क्या आएगी? June 28। किसके रिस्पेक्ट में? मोहित, मोहित ब्रॉस। कितना अमाउंट है? अमाउंट कितना था देखना पड़ेगा एक बार। 10,000 रुपए। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास बैंक और एक मोहित। बैंक में हमने कर दिया, एक मोहित, मोहित का है क्या? हाँ, मोहित का भी है हमारे पास। इसमें क्रेडिट क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी क्योंकि क्रेडिट हो रहा है June 28। कैश, क्योंकि कैश के रिस्पेक्ट में हो रही है। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो लेजर बनाना बहुत आसान है, और जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से पहले कर चुके हैं, अभी यहाँ पे एक बार और कर ले रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। June 30 में एक और हो रही है, सैलरी पेड इन कैश। सैलरी आप कैश में पे कर रहे हो। अगर आपने कैश में सैलरी पे की है तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी मैं यहाँ बता देती हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी को डेबिट करोगे टू कैश, यही होती है। तो हमको यहाँ पे दो लेजर बनाने हैं, एक सैलरी का और एक कैश का। तो कैश का तो यहीं पर ही है, कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री आप किस साइड करो? क्रेडिट साइड करो, June 30। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? सैलरी के रिस्पेक्ट में, बाय सैलरी। कितना? 6,000 रुपए। और दूसरा करो किसके किसमें? सैलरी में। सैलरी देखते हैं हमारे पास है या नहीं। ये गुलमोहर है, ये फर्नीचर है, ये रेंट है। सैलरी, हाँ सैलरी हमारे पास अब तक नहीं था, हमें सैलरी का एक नया बनाना पड़ेगा। तो एंट्री किस साइड आएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एंट्री भी डेबिट साइड आएगी। 2005 June 30 टू कैश, क्योंकि सैलरी कैश में दी है, 6,000 रुपए। समझ में आ गया? ये सारी हो गई हमारी कंप्लीट, हमने सारे लेजर बना लिए, इसमें कैसे बनते हैं हमने देख लिया। अच्छा, होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा, आपको जर्नल एंट्री समझ में आई होंगी। स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ आपको, अगर आपको लेजर अकाउंट अच्छे से सीखना है तो जर्नल अकाउंट भी अच्छे से सीखना पड़ेगा। मैं जर्नल अकाउंट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इस चैप्टर का इस इलस्ट्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और हम डिस्कस कर लेंगे। आगे के वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा। थैंक यू सो मच।